आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं C9 Pro, जो बहुत जल्द चाइना में लॉन्च होने वाला है, और इसी का इंडिया में हम लोग बोलते हैं Mi Note 10। तो आइए इस वीडियो पे हम लोग जानते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स, इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में, इसके डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो शाओमी का ये फ़ोन C9 Pro, जिसे इंडिया में Mi Note 10 बुलाते हैं, ये 5 नवंबर 2019 को चाइना में लॉन्च होने वाला है, और ये फ़ोन इंडिया में फरवरी या मार्च 2020 तक लॉन्च हो जाएगा। तो इस फ़ोन के सबसे पहले डिज़ाइन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो ये सारे शाओमी फ़ोन की तरह ग्लास बैक विद ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ आता है, जो कि एक बहुत ग्लास टाइप का जो दिखता है और एक बहुत अच्छा लुक देता है फ़ोन को। और यहाँ पे अगर स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होता है। यहाँ पे अगर बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 5170 mAh की 30 वॉट फास्ट चार्जर के साथ बैटरी मिल जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी बैटरी है। तो इसे चार्ज करने के लिए 30 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। यहाँ प्रोसेसर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 730G मिल जाता है, जो कि एक फ़ोन को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है। इस फ़ोन का जो मेन फोकस है वो है इसका रियर कैमरा, जो कि एक पेंटा कैमरा है, मतलब कि पीछे हमें 5 कैमरा देखने को मिलेंगे। तो इस 5 कैमरा के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर 1.7 है, और एक बहुत बड़ा कैमरा है। और इस मतलब आज तक ऐसे कोई भी कैमरा मतलब इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, या फिर कहीं भी लॉन्च नहीं हुई है ऐसी कोई कैमरा। तो इसका जो सेकेंड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, और जो इसका थर्ड कैमरा वो है 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, और एक जो उसका फोर्थ कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस, और एक 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। तो ये जो कैमरा क्वालिटी, एक बहुत अमेजिंग कैमरा क्वालिटी देगा इस रियर कैमरा को। इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ हमें 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है, जो कि एक बहुत बेटर कैमरा है। यहाँ पे हमें Android 10 और MIUI 11 का सपोर्ट मिल जाता है। इस फ़ोन के अगर प्राइस की बात कर लेते हैं इंडिया की, तो ये 35,000 से 40,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये फ़ोन कल चाइना में लॉन्च होगा, जो कि है 5 नवंबर 2019, और इंडिया में ये लॉन्च हो सकता है फरवरी और मार्च के बीच में 2020 में। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को एक थम्सअप दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो।